हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TMI होम बेस एजुकेशन। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिवाइडिंग ए थ्री डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर। डिवीजन ही आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन कैसा डिवीजन पढ़ने वाले हैं? थ्री डिजिट नंबर वाला होगा, कोई भी नंबर क्या होगा, वो थ्री डिजिट वाला होगा और उसका डिवीजन हम करेंगे वन डिजिट वाले नंबर से। ठीक है बात? तो बेटा सेम टू सेम मेथड है, जैसे हमने टू डिजिट वाले नंबर का डिवीजन किया था वन डिजिट नंबर वाले नंबर से, ठीक वैसे ही हम ये थ्री डिजिट वाले नंबर को वन डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है बात? तो चलो भाई कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द नंबर। आपको पैटर्न मालूम ही है, 396 डिवाइड बाई 3 लिखा है। ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, और ये है वंस प्लेस और टेंस प्लस, और ये है हमारी हंड्रेड प्लस। ठीक, तो बेटा ये वाला डिवीजन है वो हम कैसे करेंगे? तो बेटा स्टार्ट कहाँ से करते हैं? फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। मतलब फर्स्ट, मतलब यहाँ पे कौन सा है फर्स्ट प्लेस है? हंड्रेड है। फर्स्ट नंबर से ही ट्राई कर स्टार्ट करते हैं। बेटा थ्री का टेबल बोलना है। देखो ये थ्री है ना, ये थ्री और ये थ्री है, इक्वल ही है। मतलब थ्री के टेबल में थ्री आएगा, थ्री वन जार थ्री। तो यहाँ पे रखो आप थ्री वन जार थ्री, पुट वन इन द क्वोशंट एंड राइट थ्री बिलो अवर डिविडेंड इन द हंड्रेड प्लस। अब सब्ट्रैक्शन करना है, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। नाउ ट्रैक डाउन दिस नाइन। तो बेटा अब ये क्या है, हो गया नाइन हो गया। तो नाइन का डिवीजन करना है थ्री से। अब किसका डिवीजन करना है? नाइन का। तो कैसे करेंगे? थ्री का टेबल आप बोलो, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन। तो बेटा राइट दिस थ्री इन अवर क्वोशंट एंड दिस नाइन बिलो दी अवर, ये जो हमारा नाइन था उसके नीचे आप नाइन लिख दो, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अगेन ब्रिंग डाउन दिस सिक्स। देखो पहले टू डिजिट वाला था, जब क्वेश्चन टू डिजिट वाला था तब यहाँ पे बात हो जाती थी खत्म, लेकिन अभी आगे यहाँ पे और भी है, और भी नंबर है। तो यह सिक्स है, उसको भी आप नीचे लो, ठीक है, उसको खींचो यहाँ पे रख दो जीरो के पास में, और थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ और आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 396 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 132। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप अगर 132 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 3 टू जै सिक्स, 3 थ्री जै नाइन, 3 वन जै थ्री, हमारा डिविडेंड ही हमें मिलेगा। सही है बात? तो बेटा आसान सी मेथड है, जैसे हमने टू डिजिट का किया था वैसे हम किसका कर रहे हैं? थ्री डिजिट वाले नंबर का कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसको मैं यहाँ से अभी निकाल देने वाला हूँ। ओके चलो, अब बेटा नेक्स्ट 802 डिवाइड बाई 2। ये 110 एंड वन प्लस में 2। ओके, तो बेटा आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे हम 8 से। तो टू का टेबल, रिसाइट द टेबल, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट। तो आ गया एट, राइट दिस फोर इन अवर क्वेश्चन, टू फोर जा एट, एट माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। नाउ बेटा ध्यान से देखना, नाउ ब्रिंग डाउन दिस टू। तो बेटा ये क्या हो गया? जीरो हो गया। तो टू के टेबल में जीरो तो आता ही नहीं। अब बोलोगे सर टू के टेबल में जीरो तो नहीं आता, लेकिन बेटा अगर आप ऐसा सोचोगे टू मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो ही तो आता है। टू मल्टीप्लाई बाई जीरो, अगर आप टेबल जीरो से स्टार्ट करो तो टू मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ ना भाई। देखो यहाँ पे टू फोर साइड रहता तो फोर को हमने कहाँ पे लिखा था? क्वेश्चन पे लिखा था। तो यहाँ पे टू जीरो जीरो, तो यहाँ पर मैंने जीरो को कहाँ पे लिखा? ये वाला जीरो को कोशेंट में लिखा, और ये वाला जीरो को यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। सही बात?
ब्रिंग डाउन दिस टू एंड इट फॉर्म्स टू। जीरो टू क्या होता है, टू ही तो होता है भाई, तो टू वन जर टू, तो ये वन है वो का क्या हो गया बेटा क्वेश्चन, टू वन जर टू, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो बेटा, फोर जीरो वन वो क्या है हमारा आंसर है, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वेश्चन बोलते हैं, और रिमाइंडर क्या है जीरो है, ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंड है, मतलब कि आप ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये दोनों मतलब क्वेश्चन और डिवाइजर, तो आपको क्या मिलेगा डिविडेंड ही तो मिलेगा। ओके तो बेटा यह था आपका क्वेश्चन नंबर टू और इसका आंसर निकल गया 401। ओके तो बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही वाली मेथड आप लोगों को फॉलो करनी है, या जब यहाँ पे जीरो आ जाए तब कैसे करते हैं, तब जीरो से टेबल करते हैं, ठीक है तो ये याद रखनी है बात। देखो ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, डिवाइड बाई फाइव। तो बेटा सबको मालूम पड़ गया कैसे करना है, फाइव वन सर फाइव, फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ब्रिंग डाउन द जीरो, तो बेटा फाइव के टेबल में जीरो कब आता है, फाइव इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, राइट दिस जीरो इन अवर क्वोशंट, फाइव इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखो इसको क्वोशंट में लिखो, इसको लिखो आप डिविजन में, ठीक है फाइव इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, नाउ ब्रिंग डाउन दिस फाइव, यहाँ पे क्या हो गया फाइव हो गया, तो वापस है फाइव वन जर फाइव, फाइव वन जर फाइव, फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, खत्म हो गई बात, अब कुछ भी नहीं बचा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा क्वोशंट और ये है हमारा डिविडेंड, ये है हमारा डिवाइजर। ओके तो बेटा अगर आप ऐसा करोगे 101 मल्टीप्लाई बाई फाइव इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा 505, आंसर क्या निकल गया 101। तो बेटा ऐसे है थ्री डिजिट वाले नंबर का डिवीजन करते हैं वन डिजिट वाले नंबर से। ओके आई होप कि आपको सारे ये जो मैंने यहाँ पे तीन क्वेश्चन करवाए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, अगर बेटा नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करूँगा, गूगल मीट में भी प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग भी प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है। तो बेटा अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूँ, वो आपको होमवर्क में खुद से ट्राई करने हैं। ओके बेटा ये आपका होमवर्क है, ये फोर क्वेश्चन है वो मैंने आपको डिवीजन में दिए, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर रफ बुक बेटा। अब मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद, टेक केयर।